लो दोस्तों, स्वागत आपका जतिन ऑटो वर्ल्ड में। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले म्यूजिक सिस्टम के बारे में, जो ब्लेनो में मैंने इसमें जो अपग्रेड करा रखा है, म्यूजिक सिस्टम लगवा रखा है। और आपको मतलब कि इसमें बताना है कि आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। भाई मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है ये जो मैंने सिस्टम लगवाया है। मेरे एक फ्रेंड ने लगवा रखा था, उसने जो सजेस्ट किया था मुझे ये, तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ इस म्यूजिक सिस्टम से। भाई 10,000 के अंदर, और आप क्या लेंगे 10,000 के अंदर? मुझे तो लगता नहीं कि कुछ होगा। कंपनी यदि उतनी इसमें जो कंपनी है उससे भी यदि अपग्रेड कराएंगे तो भाई इसमें म्यूजिक सिस्टम जो लग जाता है कम से कम 25,000 का लगता है। बट मैंने बाहर की साइड से लगवाया था, आफ्टर मार्केट लगवाया था दिल्ली से, तो भाई 10,000 के अंदर पूरा लगा था। बेस ट्यूब लगी थी और स्पीकर लगे थे। मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कौन सी बेस ट्यूब लगवाई है मैंने, कौन सी कंपनी की बेस ट्यूब लगवाई है और कौन सी स्पीकर वगैरह लगवाए हैं। आ इसमें ट्विटर वगैरह मैंने लगवाई नहीं, जो कंपनी साइड से मतलब आते हैं इसके अंदर जो नीचे के स्पीकर आते हैं वही है, मैंने इसमें चेंज नहीं कराया है। तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे क्या होता है। मैंने भाई दिल्ली से ये सब मॉडिफिकेशन दिल्ली से करवाई। मैंने एक वीडियो भी बना रखी पूरी मॉडिफिकेशन की, अलॉयज वगैरह, एटमॉस्फेयर लाइट वगैरह, जो इसमें जो खर्चा आया था मैंने उस पर वीडियो बना रखी है। लेकिन अब म्यूजिक सिस्टम की अलग से बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक दो मैंने कमेंट पढ़ी थी, उसमें बता रहे थे कि म्यूजिक सिस्टम वैसा इसमें मतलब कि उसमें क्लियर नहीं हुआ था, वो छोटी क्लिप थी उसके अंदर। तो मैंने पूरी वीडियो बनानी है इसके ऊपर, तो एक बार मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ इसके अंदर कैसी है, इसमें आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी, एक बार बताना आप कमेंट करके ज़रूर। भाई कॉपीराइट आ जाता है इसके लिए, तो ये जो इसमें नॉन कॉपीराइट जो म्यूजिक है वही बजाना पड़ेगा। तो आप एक बार बताएं कैसे है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि वाइब्रेट कितना कर रहा था, बेस कितनी कर रखी है मैंने, बेस फुल कर रखी है। और इसमें ये भी नहीं है कि भाई सरदर्द करती है ये बेस, बहुत ही बढ़िया इसमें जो सिस्टम लग रहा है वो है, सरदर्द करने वाला नहीं है। कि बहुतों में मतलब कि लगवा लेते हैं वो सरदर्द करता है वो बेस बजता है जो, और आवाज़ जो इसकी होती है वो भी बहुत ही क्लियर है। थोड़ी बहुत मतलब कि जो आवाज़ मेरी इसमें मैं बोलूँगा तो फटके आएगी जब इस टाइम इस म्यूजिक स्टार्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं उसी में दोबारा फ़ोन से स्टार्ट कर रहा हूँ, 28 22। अब सुन सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और है, मैं इसको डिसकनेक्ट करूँगा, इसमें आपको स्पीकर टेस्ट कराता हूँ कि स्पीकर वगैरह कैसे है इसके अंदर। ये मैंने डिसकनेक्ट कर दिया है म्यूजिक सिस्टम, और इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दे रखते हैं सेटअप का, साउंड का आ गया आप देख सकते हैं इसके अंदर, और इसके नीचे बेस का है। इसमें ऑप्शन देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग ऑप्शन है, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें अलग अलग है। पॉप है, देखो पॉप है, क्लासिक है, हिप हॉप है, और इसके अंदर बहुत ऑप्शन आ जाते हैं, रॉक है, जैज़ है, और ऑफ़ करना हो तो, बट मैंने पॉप के अंदर कर रखा है ये। और इसका बेस देख सकते हैं आप, मैंने बेस ये जो है फुल कर रखा था, तो अब इसका बेस बिल्कुल मतलब कि इसका करें प्लस में, जीरो कर दें अब ठीक है। अब इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं म्यूजिक सिस्टम को, फिर देखते हैं इसके अंदर बिना बेस के कैसे क्या रहेगा। ये मैं फ़ोन से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ दोबारा। फ़ोन से कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, ये आप देख रहे होंगे भाई, ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे थे अलग से जो वीडियो बनानी है उसके ऊपर, मैं भूल जाता तो ये शॉर्ट्स में लिख लिए जल्दी जल्दी में। माइक आर कनेक्ट हो चुका है, अब इसमें यूट्यूब पे जाते हैं। अब बेस देख सकते हैं आप, जीरो बेस है भाई, फिर भी स्पीकर है। अब देख सकते हैं आप इसके अंदर बेस बिल्कुल जीरो है, इसमें कुछ भी नहीं है, ओनली स्पीकर की आवाज़ है ये। और मैं एक बार आपसे आउटसाइड जाके एक बार आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ कि कौन मतलब कि क्या क्या इसमें लगवाया है मैंने, तो आप इसमें ये ज़रूर बताना कि भाई बेस मैंने जीरो करी है, देख सकते हैं आप, जीरो करके भी मैंने आपके इसमें आवाज़ सुनाई है स्पीकर की, खाली स्पीकर
बहुत बढ़िया आवाज़ है इसके अंदर। पीछे स्पीकर लगवाए हैं, दो लगवाए मैंने, ट्विटर है इसमें वही है, ऊपर लगवाई नहीं। नीचे जो कंपनी साइड से आते हैं चारों साइड में, आप देख सकते हैं मैंने अलग से कुछ इसमें अपग्रेड नहीं कराया, बस खाली बेस ट्यूब है और इसमें एक देख सकते हैं तो और दो स्पीकर हैं पीछे की साइड में, उन्हीं ने पूरे की पूरी गाड़ी को चेंज कर दिया है। तो अब मैं एक बार इसमें मैंने जो पीछे की साइड लगवा रखे हैं दो स्पीकर लगवाए हैं JBL के, और जो इसमें बेस ट्यूब लगवा रखी है मैंने वो एडिशन ब्रांड की है भाई। बहुत ही इसका जो साउंड क्वालिटी है और जो बेस है बहुत ही शानदार है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।